अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। तो ये है कल मॉर्निंग का वीडियो, 18 सितंबर था ना कल, हाँ 18 सितंबर था। तो कल का वीडियो है ये मॉर्निंग का। तो मैं डोसा और चटनी पीस रही हूँ, डोसे के लिए डोसा बनाई थी मैंने। तो मेरा डोसे का बैटर ऐसा होता है ना कि मैं उसे चटनी भी बना इडली भी बना लेती हूँ और डोसा भी बना लेती हूँ। तो मैं डोसा बना रही थी और ये देखिए चटनी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चटनी थोड़ी गाढ़ी रखना। मोस्टली तो हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा अच्छा ही लगता है डोसे के साथ में। अगर आप मेदू वड़े के साथ में खा रहे हो तो वो चटनी फिर आपको गाढ़ी अच्छी लगेगी। तो ये मैंने तड़का लगा दी हूँ इसमें, चटनी में राई और कड़ी पत्ते का। और अभी डोसा बनाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और ये डोसे का जो है, मल्लिका ने अलग टाइप का डोसा खाई थी, उसकी रेसिपी भी आपको देती हूँ मैं अभी यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो हम लोग का सिंपल डोसा है, अभी जो मल्लिका को जो है वो सेंग की चटनी पसंद है ना, तो मैं इसके लिए इसके डोसे के ऊपर इस तरीके से मायोनीज स्प्रेड करके और चिकन जो है बचा हुआ था फ्राई करा हुआ थोड़ा सा, तो मैंने क्या करी मायोनीज स्प्रेड करी उसके ऊपर और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग्स आता है ना, ये पिज़्ज़ा मिक्स स्नैपिंग का, वो ऐड कर दी और उसके अंदर चिकन जो है छोटे छोटे तोड़ के ऐड कर दी, कट करके थोड़ा सा ही बचा था वो। तो इस तरीके से वो देंगे तो खा लेती, नहीं तो फिर वो उसको फिर सेंग की चटनी चाहिए, वो लहसुन सॉरी वो दालिया और नारियल की चटनी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। नाश्ता करने के बाद मैं अदरक लहसुन जो है क्लीन करने बैठ गई थी, अम्मी लहसुन छील कर दे रहे थे और मैं अदरक कट कर रही हूँ यहाँ पर। और आप क्लाइमेट देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है क्लाइमेट, यानी कि बारिश कभी भी आ जाती है फिर धूप आ जाती है, ऐसा क्लाइमेट हो रहा है यहाँ का, ज़्यादा बारिश नहीं है। और यहाँ पर मल्लिका और मफिन की जो है मस्ती यहाँ पर चालू है और उसके साथ में जो है इस तरीके से मस्ती करते रहती है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है हमारा मफिन। और उसके बाद मैं अरवी गोश्त की प्रिपरेशंस के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पर। अरवी गोश्त बनाई थी मैंने, तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप है ना हाथ पर इस तरीके से तेल लगा कर जो है दोनों हाथों पर, कोई भी तेल हो, नारियल का तेल हो या खाने का तेल हो, लगा कर जो अरवी को आप छीलोगे ना तो आपको खुजली नहीं होगी हाथ में, नहीं तो बहुत ही जो है अरवी छीलने के बाद जो है बहुत ही खुजली होती है, बहुत से लोगों को यानी कि होता है प्रॉब्लम ये। तो मैं एक ट्रिक शेयर करी आपके साथ में अभी। तो ये देखिए यहाँ पर अरवी गोश्त की प्रिपरेशंस हो रही है। और जो खाना है ना जल्दी बनाना था मुझे, क्योंकि फिर काम चालू होने वाला था किचन में फर्नीचर का, इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। तो आप लोग देख रहे हो फिर से ये जो लगा दिए हम लोग ने, क्योंकि अभी जो है ना फर्नीचर का काम स्टार्ट हुआ किचन में और वो चलेगा 8 दिन तक ही चलेगा, वो लोग 4 दिन बोलते हैं लेकिन ज़्यादा ही दिन तक चलता है। और जो है अभी आज का फर्स्ट डे था काम का, हम लोग कुर्ला से आए थे, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आज का वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी अभी, जो भी है वो आज का वीडियो होगा। कुर्ला से आने के बाद इतनी थकान थी ना कि फिर मैंने कैमरा उठाई ही नहीं और कोई वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि इतने 1-1.5 महीने तक जो काम चला है ना उसमें हम लोग बहुत थक गए थे। तो थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में थी मैं, तो आप ही सोचिए आज के वीडियो बनाऊँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो पूरे घर में इस तरीके से काम हो रहा है, नीचे थोड़ा अभी स्टार्ट हो चुका है आज का, आधे दिन से ही काम स्टार्ट हुआ है, आधे दिन से आए लोग क्योंकि सामान वगैरह भी लाना था। तो ये देखिए आप लोग इस तरीके से यहाँ पर ट्रॉली जो है बस ऐसे लगा के रख दिए थे 8 दिन पहले ही, तो ये सब फ्रेम बन रहे हैं यहाँ पर पूरे जो है लगेंगे दरवाजे वगैरह। और इधर भी देखिए आप लोग, यहाँ का पूरा मैंने खाली कर दी हूँ तो ताकि लोगों को बनाने के लिए इजी हो। वैसा किचन तो चालू है, पका तो रहे हम लोग किचन में, तो बस। और इधर जो है कैबिनेट लगेगा ऊपर, और ये जो है ऊपर जो है वहाँ डोर्स लगेंगे, तो वो जो है वो हिस्सा बंद हो जाएगा। और जो छोटे मोटे काम थे करने के वो बाकी थे तो वो आज हुए हैं। तो आज लगा है बाथरूम में मिरर आज लगा है, हम लोग देख सकते हो आज ये लगा है। और इसका था प्रॉब्लम, ये नहीं लग रहा था तो ये लगा है, कपड़े लगाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हम लोग को। तो वैसे ही सब काम छोटे मोटे जो थे वो रह गए थे, तो आज थोड़े थोड़े करके अभी फिल्टर लगाना बाकी है, पानी का फिल्टर जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी के लिए पानी गर्म करके पी रहे हम लोग, तो बारिश का मौसम भी है तो ऐसा फिल्टर की तो बहुत ज़रूरत है। और अम्मी और अब्बा और मेरे हस्बैंड गए हैं
अब्बा को लेकर, अब्बा को थोड़ा दिखाने का था डॉक्टर को, तो वहाँ पर गए हैं। और अरवी गोश्त का सालन बनाई थी मैंने दोपहर में, वही है अभी, और पराठे बना लूँगी बस, और वही खा लेंगे बच्चों को चिकन फ्राई। और जो है अभी रात का बज रहा है 9:30, 9:30 हो रहे हैं। और सुबह में डोसा बनाई थी, कल है संडे, तो वैसे तो हर दिन ही संडे हो रहा है क्या करेंगे लॉकडाउन में, क्लासेस तो चालू नहीं है बच्चों की, ऑनलाइन क्लासेस चालू है। और अभी जो है अम्मी और अब्बा आएंगे तो वही खाना खाएंगे, हम लोग सो जाएंगे, और शाम में नाश्ते में वही डोसा खाए थे हम लोग ने। तो अभी देखते हैं काम कब तक चलता है कुछ, क्योंकि बोल नहीं सकते उन लोगों, क्योंकि हम लोगों लोग ने जो पहले भी काम का बोले थे 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो काम को लोग ने 1 महीना तक घसीट लिए, 1-1.5 महीना हो गया। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी भी फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह गया, किचन का फर्नीचर का बाकी था अभी, तो अभी वो देखते अभी कब होता है काम। और भी कुछ प्लानिंग है हम लोग की, कहीं जाने वाले हैं हम लोग घूमने के लिए, तो वो आप लोग साथ बाद में शेयर करूँगी मैं। और ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से बिछा कर रखना पड़ा है, क्योंकि फिर पूरा वो लोग जब लकड़ी वगैरह काटते हैं ना तो पूरा धूल वगैरह उड़ती है बहुत। वैसे तो सफाई करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई ना हम लोग की, एक एक चीज़ में मट्टी धूल वगैरह सब बैठा हुआ था। और बारिश जो है आ रही जा रही है, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी होती है फिर रुक जाती है, वैसा अच्छा है ना, एक कंटिन्यू एक जैसा बारिश रहना बहुत ख़राब चीज़ होती है। और कुर्ला से आते हुए तो हम लोग ट्रैफिक में इतनी बुरी तरह फंसे थे, और जाते हुए भी वही हालत थी, हालांकि हम लोग 1.25 घंटे में पहुंच जाते हैं कार से जाते हैं तो, लेकिन हम लोग को 3 घंटा लगा जाने के लिए और 3 घंटा आने के लिए लगा। तो वो दिन तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी ट्रैफिक में, अच्छा हो कि अब्बा नहीं आए थे हम लोग के साथ, नहीं तो अब्बा की भी हालत ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पर खाना वगैरह सब हो चुका है, अब मैं किचन क्लीनिंग में लगी हूँ, और जो भी खाना वगैरह बचा है वो खाली करके बर्तन वगैरह धो रही हूँ और फ्रिज में रख रही हूँ। एक्चुअली है ना अम्मी हम लोग को कभी फोर्स नहीं करते कि तुम लोग को ये काम करना ही है, रात में ही बर्तन धो के सो, यानी कि जब भी तुमको करना है करो, लेकिन अम्मी का ऐसा कहना है ना कि रात में ही अगर आप क्लीनिंग करके सोते हो तो फिर आपको सुबह में जो है आपका किचन एकदम क्लीन एंड नीट मिलता है, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। फिर आप वैसे ही बर्तन रख के सोएंगे ना तो फिर सुबह में वो बर्तन को देख कर फिर 1 घंटा तो आपको किचन क्लीनिंग में ही लग जाएगा, फिर आप उसमें ही थक जाओगे। तो मॉर्निंग एकदम फ्रेश लगती जब आप किचन वगैरह क्लीन करके सोते हो अच्छे से, सब बर्तन वगैरह धोकर और गैस स्टोव जो है वो सब क्लीन करके सोते हो ना, तो सुबह में जब आप उठ के आते हो ना तो वो फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है। और हम लोग ने जो है पराठा खाए थे रोटी सालन के साथ में, तो सुहान को मैंने वो बना कर दी थी चाइनीज़ पकौड़ा बना के दी थी, तो उसको वो सब सालन में रोटी वगैरह पसंद नहीं है, तो चाइनीज़ पकौड़ा उसने खाया था और हम लोग ने सालन में खाए थे, और मलिका को चिकन। सबके अलग अलग नाटक होते हैं घर में किसी को ये चाहिए तो किसी को वो चाहिए, तो वही गैस के नीचे से अच्छे से सब क्लीन कर रही हूँ, गैस भी क्लीन कर रही हूँ। और ये आप लोग दोनों साइड में देख रहे हो ना पत्थर ऐसे लगे हुए, अब यहाँ पर सब कैबिनेट वगैरह बनेंगे तो थोड़ा अच्छा आने के लुक आएगा। तो वही अभी फर्नीचर का काम कब तक होता है देखिए आप, वैसे सुबह में उठ कर फिर जल्दी से खाना बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि फिर उन लोगों का काम करना होगा, उन लोगों को किचन में तो किचन खाली करके देना होगा। तो अम्मी और मैं जो है मिलकर सब कर रहे हैं, अम्मी भी मुझे सब बर्तन वगैरह सब खाली करके दिए थे तो मैं सब फ्रिज में रख दी थी, और यहाँ पर सुहान आ गया है, सुहान का खाना हो चुका है। तो वही आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है यहाँ तक आपने देख लिया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए और लाइक करिएगा। और उसके बाद जो है मैंने आपको एक लुक बताती हूँ किस तरीके से मैंने जो है किचन को पूरा नीट एंड क्लीन करी हूँ, जिससे कि बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे भी देखकर। और अल्लाह हाफिज़।